हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के न्यू अपडेट्स के बारे में, जैसे इसका टेस्ट ड्राइव कब होगा, पेमेंट आपको कब करना है, डिलीवरी कब होगी। साथ ही इसका एक ऑफिशियल वीडियो जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इन सब सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए जिसमें भावेश अग्रवाल जो CEO हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के, उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को कैसे चार्ज कर सकते हैं। पीछे आपको चार्जिंग का पॉइंट देखने को मिल जाएगा जिसमें अलग अलग आपको चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, अलग अलग जो ओला के स्कूटर हैं उसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया कि बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यहाँ से आपको निकालना है और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में इसको पुट कर देना है और ये चार्ज हो जाएगी। बट इतना सिंपल तो ये है ही, बट इसमें चार्ज होने में इसको कुछ समय लगता है। तो ऐसे ही करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है और ये बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया में सभी जगह पे जो हाइपर चार्ज है ओला का वो लगाने वाले हैं। बट अभी तक अगर इनका माने तो इन्होंने जो न्यूज़ में अपडेट दिया गया था कि इन्होंने 400 जगहों पे ऐसा चार्जिंग पॉइंट लगा दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को कैसे आपको चार्ज करना है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे चार्ज करते हैं उस तरीके से ही पेट्रोल डालते हैं, उससे ही इसमें भी आपको चार्ज करना है। और साथ ही अगर बात करें कहां कहां पे ये होंगे, तो ये सबसे पहला आपको बता दूँ पेट्रोल पंप पे ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही वैसे कुछ प्लेस होंगे जहाँ मॉल स्कूल वगैरह हो, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ती हो, वहाँ पर इस तरह का हाइपर चार्ज लगाया जाएगा जहाँ से आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड और एक वीडियो आउट किया गया जिसमें दिखाया गया कि चार्ज करने के बाद भावेश अग्रवाल जो है वो ये अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जहाँ पे ड्रोन का शॉट आप देख सकते हैं। तो मतलब चार्ज कीजिए और निकल जाइए, इनका कहने का यही मतलब है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जो कि है टेस्ट ड्राइव से रिलेटेड। टेस्ट ड्राइव अब आपको मिलने वाला है, जो इसका स्टार्ट होने का है टेस्ट ड्राइव वो है 10 नवंबर से ये स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपके पास सिर्फ एक हेलमेट होना चाहिए और अपना DL होना चाहिए, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। और आप इसको कैसे ले सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। कंपनी का कहना है कि जब भी आपका नंबर आ जाएगा, जैसे आपने परचेज किया था तो परचेज भी उसी हिसाब से आ रहा था जैसे हिसाब से आपने बुक किया था। जिन्होंने पहले बुक किया उनके पास पहले परचेज का लिंक आ रहा था ओला ऐप पे, और जिन्होंने टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो जिन्होंने जिस हिसाब से परचेज किया है उस हिसाब से आपको टेस्ट ड्राइव आएगा। इसका लिंक आपको ओला की जो ऐप है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ओला की ऐप पर अपना टेस्ट ड्राइव बुक करना है। वहाँ पर एक आपको लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप बुक कर देंगे टेस्ट ड्राइव। उसके बाद आपको होम सर्विस दिया जाएगा, मतलब होम पे आके आपको टेस्ट ड्राइव करने का मौका दिया जाएगा। कंपनी जो है कंपनी का एक बंदा आपको लेके आएगा आपके पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला का, और वहाँ से आप इसका टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो सारा जो काम होने वाला है वो आपको ओला की ऐप पे ही देखने को मिल जाएगा। तो जिन्होंने परचेज़ किया है उसी हिसाब से आपको अब मैसेज आ जाएगा टेक्स्ट पे या फिर आपको मेल पे आ जाएगा। तो आप अपना मैसेज और ईमेल चेक करते रहें कि क्या कुछ अपडेट है। तो ये है कि टेस्ट ड्राइव अब आपको 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है पेमेंट एंड डिलीवरी डेट को लेकर। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आपको डिलीवरी और पेमेंट करने से पहले 10 नवंबर से टेस्ट ड्राइव कंपनी देने वाली है, जो कि आपको घर पर आकर देगी। उसके बाद इसमें अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज कर सकते हैं, वरना रिफंडेबल भी अमाउंट होता है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपका पूरा अमाउंट जो भी है उसको 10 दिन के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पेमेंट और डिलीवरी डेट को लेकर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दो अलग अलग लोगों को मैसेज में यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जिसमें एक में दिखाया जा रहा कि 1 फरवरी 2022 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच में आपको डिलीवरी कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर। दूसरा जो दिखाया जा रहा है उसमें 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 को आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो डेट आ रहा है उसके एक हफ्ते पहले, यहाँ पे जो भी डेट जिनके पास भी जैसा मैसेज आ रहा उसके एक हफ्ते पहले आपको फाइनल पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आपको पेमेंट करना है ओला की ऐप से, तो वहाँ पे आप फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। उसके एक हफ्ते बाद आपको बाइक स्कूटर जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। तो पेमेंट और इसको डिलीवरी डेट को लेकर यहाँ पर कुछ इसी तरह से, जिनका भी स्लॉट जिस हिसाब से कंपनी उसी हिसाब से उनको डिलीवर कर रही है, और पेमेंट भी आपको उसी हिसाब से देना है। ऐसा नहीं है कि 10 नवंबर से सभी लोगों को पेमेंट देना है, जब भी आपके पास मैसेज आएगा जिस हिसाब से उसके एक हफ्ते पहले, डिलीवरी के एक हफ्ते पहले आपको फाइनल पेमेंट करना है। अगर उस टाइम आप चाहते हैं कि नहीं मैंने टेस्ट ड्राइव किया है मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद नहीं आया है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसका अमाउंट आपको 10 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा जिस हिसाब से आपने पेमेंट किया होगा। ऑनलाइन आपने पेमेंट किया होगा UPI के थ्रू तो उसी हिसाब से आएगा, वॉलेट के थ्रू किया तो वॉलेट में ही आएगा। जिस हिसाब से आपने किया है उसी हिसाब से आपको पेमेंट रिसीव होने वाला है।
दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो कि है परचेज का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 नवंबर से इसका जो है परचेजिंग स्टार्ट होने वाला। जिन्होंने परचेज नहीं किया था लास्ट टाइम जो 15 और 16 सितंबर को, वो अब परचेज कर सकते हैं, और जिन्होंने बुक किया था और अब भी उनको अब परचेज करने का मौका मिलने वाला है। 1 नवंबर और 2 नवंबर को इनका जो परचेज है वो ओपन रहने वाला है, तो आप परचेज कर सकते हैं। ओला के ऐप पर आपको पॉपअप आ जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उससे पहले आपको 1 घंटे पहले टेक्स्ट मैसेज या फिर मेल में आपको एक लिंक मिल जाएगा, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ पे बताया जाएगा कि अब आपका परचेज स्टार्ट होने वाला है। तब आप ओला की ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। तो अगर इससे पहले वाले टाइम में देखें तो जिनके पास मैसेज नहीं आ रहा था उनके पास पॉपअप भी नहीं आ रहा था परचेज करने के लिए। इस बार देखना है कि क्या कुछ वैसा ही रहने वाला है, बट 1 नवंबर से है जो कि परचेज स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये थे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ न्यू अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विद बाइक।